हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेरी फेवरेट मोज़रेला होममेड चीज़। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आप 2 लीटर पैस्चराइज्ड मिल्क ले सकते हैं। मैंने 1 लीटर पैस्चराइज्ड मिल्क लिया है। अब हम दूध को उबालेंगे और उंगली डाल के देखेंगे कि वो ज़्यादा गर्म ना हो। हम गैस को बंद कर देंगे। फिर धीरे से 5 से 6 चम्मच हम विनेगर डालेंगे, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालना है स्पून से, और फिर उसे एक सर्कुलर मोशन में हल्के से स्टर करना है। और आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि हमारा जो मिल्क है वो अच्छी तरह से कर्डल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे मिल्क कर्डल हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा मिल्क कर्डल हो गया है और उसमें एक स्ट्रेच आ गया है, जिससे पता चलता है कि हमारी मोज़रेला चीज परफेक्ट है। अब हम इसे स्ट्रेन कर देंगे और इसका पूरा पानी जो लिक्विड है वो निकाल देंगे। इसके लिए हमें एक स्पून लेके इसे प्रेस करना है और इसके अंदर का पूरा लिक्विड निकाल देना है। इसके बाद हमें हाथों से इसे धीरे से प्रेस करके इसका सारा लिक्विड दोनों हाथों से प्रेस करके निकालना है, और ध्यान रहे कि इसमें थोड़ा भी लिक्विड ना हो, ताकि अपनी चीज़ ज़्यादा दिनों तक टिकी रहे। चीज़ बॉल में से जो लिक्विड निकाला था उसे हमें मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है। इसे थोड़ा सा वार्म करना है और इसमें हमें वो चीज़ बॉल डाल देना है और करीबन 10 सेकेंड तक रखना है। उसके बाद उसे निकाल के हमें हाथों से उसका पूरा लिक्विड निकाल देना है, दोनों हाथों से प्रेस करके, और ये चीज़ बॉल को स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारी मोज़रेला चीज़ स्ट्रेच हो। इस प्रोसेस को हमें 5 या 6 बार करना पड़ेगा, यानी हमें 10 सेकेंड तक लिक्विड में रखना पड़ेगा, इसे निकाल के 5 सेकेंड प्रेस करके इसका लिक्विड निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक वेसल में आइस क्यूब्स लेने हैं और हमारा चीज़ बॉल 5 से 6 सेकेंड तक इसमें रखना है। इसे निकाल कर उसका पूरा पानी हमें निकाल के एक प्लास्टिक में बहुत टाइट रैप करके एक एयर टाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेट करना है 4 या 5 घंटे या ओवरनाइट। 4 से 5 घंटों बाद हमारा मोज़रेला चीज़ बॉल रेडी है। वो इस तरह से शाइन होगा। अब हम उसे काटेंगे। इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, और जब हम पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे तो इसमें वो स्ट्रेच भी आएगा, जिससे पता चलता है कि हमारी मोज़रेला चीज़ परफेक्ट है। सो Enjoy the cheese. Happy eating.